तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आई होप कि आपने बसंत खूब अच्छे से मनाई होगी, लेकिन आज का व्लॉग आप देखेंगे तो आपको वाकई मजा आ जाएगा। भैया लोकेशन गेस करो, हम कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं, बहुत मजा आने वाला है। पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। सूर्य देवता निकले हैं बहुत भयंकर तरीके से, भाई गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। अभी निकलेंगे, बॉडी कंडीशन भी दिखाएंगे आपको, यू विल लिटरली एंजॉय द वीडियो। तो भाई ये लो हमारी डाइट का सेब, हमें एक एप्पल खा लें जल्दी से और फिर निकलते हैं भाई। लेकिन व्यू देखो कितना गजब का आ रहा है यार, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। ये तुम्हारे भाई की परछाई, एप्पल खाते हैं। थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं महातीर्थ नैमिषारण्य नीमसार, जो पड़ता है सीतापुर में। और ये देखो हम आ गए हैं भाई नीमसार। आज हम यहाँ पे स्नान करेंगे, ऑफ सीजन चल रहा है, भीड़ ज़्यादा है नहीं। गाड़ी हमने भाई यहाँ पे पार्क कर दी है, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है इसलिए पार्क कर दिया क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। ये मेन एंट्रेंस बंद है, बंद है। तो भाई ये लो हम आ गए हैं नीमसार और यहाँ पे चक्र तीर्थ है। आज उसमें स्नान करने का मन था, संडे भी था, तो हमने सोचा कि ना आया जाए। बबता देखो भाई, जूते उतार दिए हमने गाड़ी में और चप्पल पहन के आ गए हैं। संडे का दिन है, भीड़ देखो कितनी गजब हो गई है भाई यहाँ पे, एक नंबर भीड़ है भाई, एक नंबर। ये देखो भाई ये है चक्र तीर्थ। यहाँ पे कहते हैं कि विष्णु जी का चक्र गिरा था। और एक कथा और जुड़ी है यहाँ से, वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक सूर्य से चक्र मांगा था और ऋषियों से कहा था कि दैत्यों से परेशान मत हो, जहाँ ये चक्र जाकर गिरेगा वहीं पे अपना तप करना। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ है हिंदू में। और भाई अब हम जा रहे हैं नहाने, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है नहाने की क्योंकि जनवरी का मौसम है, धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी जल बहुत ही ठंडा है। और भैया बैठ के उतरना पड़ेगा क्योंकि हर सीढ़ी पे जो है ना काई जमी है, बड़े ही हिसाब से उतरना पड़ेगा। हम तो भैया बहुत ज़्यादा ठंडा गए, हमें हरिद्वार की याद आ गई। जब हम हरिद्वार गए थे अप्रैल में तब भी इतना ठंडा जल था और इसका तो जल बहुत ही ठंडा है। भैया बॉडी कंडीशन बताओ कैसी लग रही है, देख के कमेंट ज़रूर करना। लेकिन अभी हम भाई उतर गए हैं, इस समय मेरी फीलिंग ये आ रही थी कि एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना ठंडा जल था। लेकिन हमने जो है जब हम जिस उद्देश्य से घर से आए थे उसको तो हमें पूर्ण करना ही था। पहले हमने सोचा कि अपने रामनगरिया लगी है गंगा जी ही नहा लें, फिर मैं सोचा यार चलो कुछ और दिखाते हैं लोगों को, थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम ये सीतापुर की तरफ निकल आए थे। जिन लोगों को नहीं पता ये तीर्थ सीतापुर के पहले ही पड़ता है 40 किलोमीटर, अगर आपको जाना है तो गूगल मैप पे सर्च कर लेना। ये यहाँ का मेन स्पॉट है जहाँ पाते हैं। और ये जो आप चक्र देख रहे हैं यहाँ से बताते चलें कि जल जो है पाताल लोक से आता है, बहुत गहरा है और यहाँ पे ये बाउंड्री बना रखी है। ये हम जीवन में दूसरी बार आए हैं यहाँ पर क्योंकि एक बार हम बहुत छोटे पे आए थे, वो फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यार बहुत भयंकर ठंड लग रही है, हद से ज़्यादा। हम तो ये सोच रहे हैं इसकी परिक्रमा कैसे होगी, क्योंकि अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इसकी 3, 4, 5 जितना भी मन हो पंडित जी से पूछ लीजिएगा, उतनी परिक्रमा करी जाती हैं। हमने तो भाई 2-3 परिक्रमा कर ली थी। ये हमारी डुबकी, भैया इतने में तो हमारे जो है बहुत, अरे यार हालत ख़राब हो गई है भाई, पहुँच लें जल्दी से अपने आप को। भाई बॉडी कंडीशन बताओ कैसी आ रही है, कमेंट करो, क्या अब बॉडी अच्छी लग रही है या जब गेनिंग पे थी तब अच्छी लग रही है, कमेंट ज़रूर करना। हम नहाए हैं, बहुत ठंडा जल था, अगर धूप ना निकलती तो हम भैया आते भी नहीं और नहाते भी नहीं। ये जो बीच में आप कुंड देख रहे हैं बहुत गहरा है, मेरे सामने भाई एक तैराक इसमें कूद गया। ये देखो वो सामने तैराक है, उसने सीधा छलांग मारी। अच्छा तैरने का भी भैया अपना अलग ही मज़ा होता है, जिसे तैरना आता है वो पानी के पास ही भागता है। कमेंट करो भाई आप लोगों में से कौन कौन तैर लेता है। मेरा मन तो बहुत होता है तैरने का लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं लगा कि हमको कोई तैराकी सिखाए। ये देखो यहीं पे आपका सब चेंजिंग रूम भी है। ये भाई देखो निकल आया तैराक है जी यार, तैमल पहने जाने आतंक काट दो बीच में एकदम कूद के, हम कहें चलो ना जाओ नीचे। तो यहाँ पे पूजा पाठ चलती रहती है, जल जो है महीने में 2 बार साफ होता है। इसका नाम पता क्या है, छोड़ो बताएंगे ना। भाई हमने यहाँ पे नहा लिया, जल बहुत ही ठंडा था, मज़ा आ गया। लेकिन अब चलते हैं मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद आप जाते हैं सीधे ललिता देवी माता जी के दर्शन करने। तो ये मंदिर के पास हम आ गए हैं। चक्र तीर्थ से और माता जी का मंदिर अप्रॉक्स दूरी होगी 1.5 किलोमीटर। ये पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि होती है तो बहुत भीड़ हो जाता है। ये देखिए हम प्रवेश करने जा रहे हैं माँ ललिता देवी मंदिर। कमेंट करिए जय माता दी। अच्छा एक बात है, माता रानी के मंदिर चाहे कैसे भी चले जाओ, चाहे आप पूर्णागिरी चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी और चाहे यहाँ पे मार्केट, आपको भैया हर जगह एक ही ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे भाई हम तो वीडियो शूट करते करते अंदर जा रहे हैं, टीका हमारे वहीं पे लग गया था। ये देखिए यहाँ से ये मेन एंट्री है और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो भाई हम कोशिश भी नहीं करते हैं यार फालतू की। हम भैया दर्शन करने गए थे, हम फालतू में कोशिश नहीं करते कि वहाँ पे वीडियोग्राफी करें, बाहर से हमने वीडियोग्राफी कर ली है। अगर आपको जाने का मन है तो भैया हो आना, अगर फरुखाबाद के हो तो बड़े पास में यार 120 किलोमीटर है, आराम से जाओ, सुबह निकलो शाम तक घर पर आ जाओगे। ये देखिए भीड़ हो गई है, यहाँ पे चुनरी बांधी जाती है यहाँ पे मन्नत के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ भी बंधी हैं। दर्शन हमको हो गए हैं, मंदिर का प्रांगण काफ़ी ही अच्छा है। अब चलते हैं सीधे बाहर की ओर। दर्शन हो गए भाई, बहुत बढ़िया। और
अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे पूरा दिन हमारा स्पेंड हो चुका है, काफ़ी अच्छा लगा। जल बहुत ही ठंडा था। भैया कुछ खाते हैं, पहले से भी खाना पड़ेगा। भाई कंडीशन बताओ बॉडी की कैसी आ रही है, आपने वीडियो तो देखी ली। भैया हमें यहाँ पे दिख गए थे अंकुरित चने, हमने कहा इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। 20 रुपये का दोना दे रहा था, 40 रुपये में फुल दे रहा था, तो हमने कहा भैया बनाओ बिना प्याज के, क्योंकि मंदिर से निकले हैं तो भैया प्याज जो है नहीं खाएंगे। भाई ने मूली काटी और गाजर काटी, जो उसके पास रखा था उसने सब काटा, पन्नी खोली और उसमें धड़ सारे के अंकुरित चने रख दिए। उसमें से हम बहुत थोड़े खा पाए, मुझे लगा था ये अच्छे होंगे, लेकिन अंकुरित चने नहीं खट्टे, वो कड़वे से लगते हैं मुझको, वैसे लगे। तो भैया पेट हमने बस भर लिया। तो भाई कुंड में नहाने के बाद और ललिता देवी मंदिर जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। गाड़ी भाई ने कर दिया यहाँ पे पार्क और जा रहे हैं अब हनुमानगढ़ी। पार्किंग स्थल आ गया, लेकिन हमने क्या सोचा कि गाड़ी यहीं लगा दो, भीड़ भाड़ है नहीं, ऑक्सीजन चल रहा है इस समय, आज संडे भी है, तो गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है, वरना हमको 3 जगह पार्किंग देनी पड़ती। भाई इसके लिए हम फरखा पा दी है। कथा का आयोजन जोरों शोरों पर हो रहा है यहाँ पे। ललिता देवी मंदिर से थोड़ी ही दूर पे हनुमानगढ़ी है, यहाँ पे जाना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आ गए हैं, 5-6 परिक्रमा करी जाती हैं, वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड है नहीं। ये यहाँ का एक कॉरिडोर है जहाँ से परिक्रमा होती है। हनुमान जी हैं, काफ़ी बड़े हनुमान जी हैं, आना ज़रूर। अभी हम भाई फंसे हैं जमापुर चौराहे पे, और जमापुर चौराहे से बताया जा रहा है कि आपका घटिया घाट तक जाम ही जाम लगा है। आपको व्यू दिखाएंगे, और मुझे यही लग रहा है कि आज संडे का दिन है, मेला रामनगरिया में इतनी भयंकर भीड़ हुई है कि आप सोच नहीं सकते, इतना भयंकर जाम लगा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देखो, और मुझे लग रहा है ये वीडियो रात तक कंटिन्यू हो जाएगी, बने रहना पूरी वीडियो में। भाई ये देखो, ये जो जाम लगा है ना, ये बहुत लंबा जाम लगा है। अभी मैं पूछ रहा हूँ राह गिरोह से, तो बता रहे हैं घटिया घाट जो ब्रह्मदत्त जी की मूर्ति लगी है ना, वहाँ तक जाम लगा है। और अभी हम जो है जमापुर से थोड़ा ही आगे बढ़े हैं, हद से ज़्यादा भीड़ है। और ये रोड तो आप देख ही सकते हो, इसका चौड़ीकरण तो ज़िंदगी में ही होगा, क्योंकि टेक्निकल इशूज़ हैं फरखाबाद के डेवलपमेंट के साथ। ये देखो भाई, ये देखो, अब इसके आगे तो निकल ही नहीं सकते। अब मुझे लग रहा है कि भाई जो है रात हो जाएगी यार यहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे। पहले मैंने सोची कि आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मैं एज अ जिम्मेदार सिटीजन आगे नहीं बढ़ा सकता, अपनी लेन में चल रहा हूँ। और आपको भी यही संदेश देता हूँ कि कितना भी जाम लगे अपनी लेन में ही चलें, जिससे जो है आपको गाड़ी बैक करके पीछे ना आना पड़े। ये देख रहे हो मार्शल आर्सल, ये वहाँ तक जाम लगा है भाई, बहुत भयंकर जाम लगा है। ये देखो भाई मोटरसाइकिल वाले, इनको तो मौका है, 2 पहिए हैं, निकल जाओ फर्राते हुए। हमारे पास तो फिलहाल के लिए 4 पहिए हैं, हम नहीं जा सकते आगे। लेकिन देखो भाई निकल गया अपना मोटरसाइकिल से एकदम फर्राता हुआ, 2 पहियों की बात ही अलग है यार। धुंध हो गई है भाई बहुत भयंकर, रात होने लगी है और हम आ गए हैं चाचूपुर वाले मोड़ पे, तो जाम लगता है इन सब गाड़ियों को जैसा। ये देखो, ये देखो, अब उसको मुड़ना है और इधर से भी ट्रैफिक है, बिल्कुल भी ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। ये तो भगवान जाने कि ये रोड क्यों नहीं चौड़ी होती है, इतना बड़ा मेला लगता है पूरे फर्रुखाबाद में, साल में हर जगह जाना जाता है मेला, फिर भी ये जो है चौड़ीकरण और डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है भाई फर्रुखाबाद का। आप देख सकते हो भाई, किसी को अगर इमरजेंसी हो, जाम में फंसे तो उसकी क्या हालत होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से घुस रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से निकल रहा है, कोई भाई किसी को मतलब नहीं है। ये देखो चाचूपुर वाला मोड़ है ये, और ये सारे मेला। भैया तो हमने सुना था बंद हो गया, योगी जी ने कहा है कि ट्रैक्टर से कोई निकलेगा नहीं, मतलब कोई ट्रैक्टर पे जाएगा नहीं, पता नहीं भाई क्या पता नियम चेंज हो गए। हम चाचूपुर हम जो है अभी क्रॉस कराए हैं, जाम देखो, मेला रामनगरिया संडे स्पेशल। ये देखो गाड़ियों की लाइन देखो, जहाँ तक नज़र जाएगी ना वहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये लो भाई रात हो गई है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रात हो जाएगी, उसको जाम में फंसे फंसे, और वही सीन हुआ। अभी भी जो है यहाँ से मेला थोड़ा दिख रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो देखो, वो दिख रहे होंगे आपको झूले वूले। देखो पूरी रात हो गई है, हम यहाँ तक आ पाए हैं, ये खड़ी पुलिस की गाड़ी, और यहाँ से जो है दूसरा एंट्री होती है मेला रामनगरिया में नीचे से, वहाँ पे आ गए भाई। कम से कम मेरे को हो गया 1.5-1 घंटा तो हो ही गया हमको खड़े खड़े,
क्योंकि उस समय जो है रोशनी थी, अब बिल्कुल भी यार सन्नाटा पसरा है। देखो असल में यहाँ पे जो नहीं लोग जा रहे हैं मेले से, तो इसीलिए ट्रैफिक ये रोका जाता है बार बार। अब बहुत लंबा ट्रैफिक लग चुका है भाई। ये हम अब आ पाए हैं पुल पे एक घंटे बाद, और जाम भाई साहब जमापुर से लगा हमें लग रहा है मसैनी चौराहे तक लगेगा जाम।